हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है महिलाओं को लोन कैसे मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से सारी चीजें हमारी स्टार्ट होगी। महिलाओं को लोन कैसे मिलेगा, देश के महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत सी योजना शुरू किए हैं जिससे महिला लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। सरकार महिला के प्रति हो रहे भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से महिलाओं के लिए लोन योजना शुरू किया है जिससे महिला भी सरकार की योजना की मदद से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर सकें और अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण कर सकें। बहुत सी महिलाओं ने इस योजना से लोन लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं। सरकार इस योजना के माध्यम से देश की सभी महिला सशक्त तथा आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है और पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलकर चले। देश की बहुत सी महिलाएं हैं जो रोजगार अपना शुरू करना चाहते हैं मगर पैसे की कमी होने के कारण अपना रोजगार शुरू नहीं कर पाते। आज हम उन सभी महिलाओं को 8 ऐसे सरकारी योजना के बारे में बताएंगे कि अगर उनके पास पैसा नहीं है फिर भी वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम आपको सरकार की ऐसी योजना के बारे में बताते हैं जो सिर्फ महिलाओं के लिए शुरू किया है। अब नोट कर लीजिए, अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप फटाफट नोट कीजिए क्योंकि उसके बाद में हम ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद में हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे लिखिए, नंबर 1 पे है, अभी मैं सबके लिंक और सारी चीजें आपके सामने शो करूंगा। नंबर 1 पे है भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन। यह योजना भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन, ठीक है, ये योजना स्टेट बैंक द्वारा चलाई जा रही है। इस बैंक रोजगार शुरू करने के लिए आप 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ब्याज आपके लोन चुकाने के अनुसार छूट दिया जाएगा, उसमें छूट है, ठीक है। नेक्स्ट स्कीम डालिए, अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा स्कीम, ठीक है। इस योजना से कैटरिंग का काम करने वाली महिलाओं को बर्तन लेने के लिए भारत सरकार द्वारा 50,000 रुपए का लोन देती है और लोन चुकाने की अवधि 3 साल तक का है, तो इसके लिए आपको गारंटी रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये 50,000 रुपए है, ये अभी मिल जाएगा, ठीक है, और कोई गारंटी, कोई वारंटर कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट डालेंगे नंबर 3, नोट करते रहिएगा, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा इस पर। नंबर 3 है महिला विकास योजना। इस योजना को ओरिएंटल बैंक द्वारा चलाया जाता है। इस योजना से आप 10 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं, 10 लाख से 25 लाख, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी मैं लिंक आपसे शेयर करूंगा, ठीक है, उसकी पूरी वेबसाइट है, पूरा लिंक है, वहां से आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट है देना शक्ति योजना। इस योजना को देना बैंक द्वारा चलाया जाता है। इस बैंक से छोटे दुकानदार तथा थोक दुकान खोलने के लिए लोन ले सकते हैं। इस बैंक से आप 20 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी मैं लिंक का उपयोग करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुद्रा योजना। इस योजना में सरकार द्वारा रोजगार के लिए लोन देते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर, कपड़ा सिलाई, ट्यूशन सेंटर आदि प्रकार के जो हैं। इसके लिए आप 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं और इसके लिए आपको गारंटी रखना नहीं पड़ेगा। स्त्री शक्ति पैकेज, नेक्स्ट है स्त्री शक्ति पैकेज। इस योजना से स्टेट बैंक में संपर्क करके आप 5 लाख रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको आपको गारंटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें भी कोई गारंटी की जरूरत नहीं है। सेंट कल्याणी योजना। इस योजना को सेंट्रल बैंक द्वारा चलाया जाता है। आपके रोजगार के विवरण अनुसार लोन दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए अभी लिंक शेयर होगा। महिला उद्यम निधि योजना। इस योजना को पंजाब नेशनल बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं। खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता, ठीक है। इतना समझ में आया? अगर यहां तक आपका क्लियर है तो आप मुझे टाइप कीजिए यस, तो मैं आगे बढ़ूं। जिन लोगों का इतना क्लियर है, कितनी स्कीम हमने बात की है, 9, भारतीय महिला बैंक बिजनेस लोन, अन्नपूर्णा योजना, महिला विकास योजना,
देना शक्ति योजना, मुद्रा योजना, स्त्री शक्ति पैकेज, सेंट कल्याणी योजना, महिला उद्यम निधि योजना, अभी ये हैं। इनके बारे में अभी हम डिटेल में पूरा आराम से बात करेंगे। अभी समझना है प्रोसेस पूरा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज है। अब वेबसाइट में अब हम एंटर करेंगे, ठीक, इतना समझ में आ गया। अच्छा एक चीज और, थोड़ा सा और नोट करिएगा। अब एक एक टॉपिक पे हम क्लियर कर लेंगे कि आपको मुद्रा लोन कैसे मिलेगा। जो भी हमारे 9 हैं, 9 में से हम एक एक क्लियर कर लेंगे कि मुद्रा में कौन कौन से हैं। मुद्रा में 3 लोन होते हैं, एक होता है शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। इसको भी लाइए थोड़ा सा कवर कर दूं जल्दी से मैं, क्योंकि ये जितना कवर हो जाएगा आपको उतना ही बेनिफिट रहेगा। महिलाओं को मुद्रा लोन कैसे मिलेगा। केंद्र सरकार महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से योजना को शुरू किया ताकि देश में सभी महिला मुद्रा योजना से लोन लेकर अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण कर उसे उच्च शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सके। इस योजना के अंतर्गत देश की सभी महिला लोन ले सकती हैं जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक है। अगर आप मुद्रा योजना से लोन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अभी मैं आपके सामने लिंक शेयर करूंगा, आप वहां से ऑनलाइन कर लीजिएगा। देश के बहुत से महिला अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं मगर परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से वो नहीं कर पाते। इसी हालत को देखते हुए सरकार ने मुद्रा लोन योजना शुरू किया है ताकि देश के सभी इच्छुक महिला इस योजना से लोन लेकर अपना रोजगार शुरू कर सकें। सरकार ने मुद्रा लोन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट शुरू किया ताकि किसी भी महिला को लोन के लिए बैंक का चक्कर लगाना ना पड़े। अगर आप भी मुद्रा लोन योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी प्रक्रिया को यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में बताया गया। महिलाओं को मुद्रा लोन कैसे मिलेगा। शिशु लोन नंबर 1 पे, शिशु लोन, इसके अंतर्गत आप 50,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं और इसमें आपको कोई प्रोसेसिंग शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किशोर लोन, इस अवस्था में आप 50,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए तक के लोन प्राप्त कर सकते हैं तथा आपको इसमें कोई गारंटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरुण लोन, इस अवस्था में आप 5,00,000 रुपए से लेकर 10,00,000 रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। पीएम मुद्रा लोन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको मुद्रा लोन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सरकार की वेबसाइट mudra.org.in को ओपन करना होगा या सीधे वेबसाइट पर जाने के लिए मैं अभी लिंक स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूं, आप इस लिंक को उपयोग करें, ठीक है। लिंक पर जाने के बाद आपके स्क्रीन पर पीएम मुद्रा योजना की वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें सबसे नीचे की तरफ जाने पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, शिशु, किशोर, तरुण। तो आप अपने सुविधा के अनुसार किसी एक को चुनना है। तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, अपना विकल्प को चुनने के बाद आप उसको उसी प्रकार तीनों ऑप्शन दिखाई देगा जिसमें आपको डाउनलोड के ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद फॉर्म खुल जाएगा जिसे डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी को भरना है। फॉर्म को भरने के बाद एक बार अच्छे से जांच कर लें कि कहीं गलत ना हो। फॉर्म की जांच कर लेने के बाद सभी दस्तावेज को एक साथ संलग्न कर लेना है, फिर अपने नजदीकी बैंक में जाकर जमा कर देना। इस प्रकार आप पीएम मुद्रा लोन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मुद्रा लोन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं। आधार कार्ड है, मोबाइल नंबर है, पैन कार्ड है, बैंक खाता पासबुक है, पासपोर्ट साइज फोटो, बिजनेस करने का प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र। महिला मुद्रा लोन योजना में आवेदन करने के लिए सरकार की वेबसाइट mudra.org.in को ओपन करना होगा। उसके बाद आपको लोन का प्रकार चुनना होगा, फिर फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को भरकर बैंक में जमा कर देना। इस प्रकार आप मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिलाओं को मुद्रा लोन कैसे मिलेगा, इसकी सभी प्रक्रिया आपको बता दी गई है। अब अगर कोई डाउट हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में कर दीजिए, नहीं तो आगे लिखिए, टाइप कीजिए यस ताकि मैं आगे बढ़ूं। इतना समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं, यस। फिर हम डिस्कस करेंगे कि बिजनेस कौन सा है आपका और आपके सस्ते बिजनेस कौन कौन से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो सबसे सस्ता और अच्छा बिजनेस कौन सा है, इस पे भी एक बार निगाह डाल लेते हैं, फिर अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। सबसे सस्ता और अच्छा बिजनेस कौन सा है। सबसे सस्ता और अच्छा बिजनेस, आज के जमाने में हर व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस करना चाहता है मगर बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि कम पैसे में कौन सा बिजनेस करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो आज हम आप लोगों को 5 ऐसे सस्ते और अच्छे बिजनेस के बारे में बताते हैं जिसको आप गांव या शहर कहीं भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप पैसों में अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं तो इस जानकारी को नोट करिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, है ना।
अगर आपके पास नया बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं है तो सरकार बहुत सी योजना के माध्यम से देश के सभी बेरोजगार नागरिक को लोन देता है ताकि देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है जिस पर रोक लगाया जा सके। अगर आप भी अपने गांव या नजदीकी शहर में कम लागत वाला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इसकी सभी प्रक्रिया को बहुत ही सरल भाषा में बताया गया जिसका आप अवलोकन करके आसानी से बिजनेस शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। सबसे सस्ता और अच्छा बिजनेस कौन सा नंबर वन पे है? आइसक्रीम। ये बिजनेस गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा चलने वाला आइसक्रीम को हर वर्ग के लोग बड़ी ही शौक से खाते हैं। इसका बिजनेस करके आप आसानी से हर महीने 40,000 से 45,000 तक कमा सकते हैं। इस बिजनेस का आप बहुत कम लागत में शुरू कर सकते हैं। गन्ना जूस। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक मशीन की आवश्यकता पड़ेगी जो आसानी से हर शहर में मिल जाएगी। ये बिजनेस भी गर्मियों के मौसम में सबसे ज्यादा चलता है। इस बिजनेस को शुरू करके आप आसानी से 35,000 से 40,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं। एक और होता है गुपचुप चाट। ये बिजनेस हर मौसम में सबसे अधिक चलता है। आज के जमाने में हर वर्ग के नागरिक चाट को बड़े ही शौक से खाते हैं। इस बिजनेस को आप गांव या शहर कहीं भी शुरू करके आसानी से 25,000 से लेकर 30,000 रुपए हर महीने कमा सकते हैं और बहुत कम पैसे खर्च में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। कपड़े का व्यवसाय। यह बिजनेस आज के जमाने में सबसे ज्यादा चलने वाला और अमीर हो या गरीब हर वर्ग के लोग नए नए कपड़े पहनने के शौकीन होते हैं। इस बिजनेस में किसी और बिजनेस के हिसाब से अधिक इनकम है और आप बहुत कम लागत में शुरू करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। सब्जी का व्यापार। इस बिजनेस को आप बहुत ही कम पैसा खर्चा करके शुरू कर सकते हैं, अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। इस बिजनेस की खास बात यह है कि हर घर में प्रतिदिन आवश्यकता पड़ती पड़ती सब्जी की, चाहे वो अमीर हो गरीब, तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ये बिजनेस 5 हैं, उसके बाद में अभी हम और डिस्कस करेंगे। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन कैसे लें, उसका प्रोसेस अब हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को समझिए, फिर हम अभी और बहुत सारी स्कीम्स हैं उनको भी शेयर करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास अच्छा टाइम है, तो आज हम खूब टाइम लेंगे और आज ही ये सारे टॉपिक सारी चीजें क्लियर कर लेंगे, क्योंकि कल से हमको वर्क स्टार्ट करना है। ठीक है, तो नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन कैसे लें। सरकार देश के सभी बेरोजगार नागरिक को नया बिजनेस शुरू करने के लिए एवं जो पहले से छोटा बिजनेस करते हैं उसे बढ़ाने के लिए बहुत से योजना के माध्यम से देता है ताकि देश में लगातार बेरोजगारी की समस्या बढ़ती जा रही है, उस पर रोक लगाया जा सके। अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और लोन लेना चाहते हैं तो सरकार आपको बिजनेस में लागत के अनुसार लोन देगी, जिसमें आपको सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी मतलब समझते हैं ना, छूट। आपको थोड़ा पैसा वापस ही नहीं करना होगा, थोड़ा वापस करना। बहुत से लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं मगर उनके पास उतना पैसा नहीं होता जिससे वो शुरू नहीं कर पाते। इसी हालत को देखते हुए सरकार ने देश के सभी बेरोजगार नागरिक को लोन प्रदान करने की योजना शुरू की है। इस योजना से देश के सभी नागरिक लोन ले सकते हैं। अगर आप भी नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को यहाँ पर बहुत ही सरल भाषा में बताया गया है ताकि आप लोगों को लोन लेने में कोई परेशानी ना हो। अब पॉइंट की बात है, मुद्दे की बात है, आप ध्यान करिए, आप नोट करिए। नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन कैसे लें। प्रधानमंत्री रोजगार योजना से लोन के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया। सबसे पहले आपको नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन लेना चाहते हैं तो सरकार की वेबसाइट, अभी ये सारे लिंक मैं स्क्रीन पर शेयर करूंगा, ठीक है, तो आपको ये सारे लिंक दिखाई देंगे। वेबसाइट कौन कौन सी है? kvicoonline.gov.in को ओपन करना होगा, या सीधे वेबसाइट जाने पर मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो वहां से आप, डिस्क्रिप्शन में लिंक होंगे वीडियो के, तो वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके और चले जाएंगे। लिंक पर जाने के बाद आपको स्क्रीन रोजगार योजना की वेबसाइट खुल जाएगा जिसमें आपको PMEGP के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको PMEGP पोर्टल के विकल्प को चुनना है। इसके बाद आपके स्क्रीन पर नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंडिविजुअल के ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद आपके स्क्रीन पर फॉर्म खुलेगा जिसमें आपको पूछे गए सभी जानकारी को ध्यान से भरना है। उसके बाद सेव एप्लीकेंट डाटा के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है। इस प्रकार आप नया बिजनेस शुरू करने के लिए लोन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन लेने की प्रक्रिया हम पहले सीख चुके हैं जिसमें आपको 3 मिलते हैं। कौन कौन से हैं? शिशु, किशोर और तरुण। इस योजना से आप 3 प्रकार के लोन ले सकते हैं। शिशु लोन, अगर आप इस अवस्था का लोन लेना चाहते हो तो आपको सरकार 50,000 रुपए बिना गारंटी के प्रदान करेगी। किशोर लोन, इस योजना के अंतर्गत सरकार लोन लेने वाले लाभार्थी को
50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन देगी। तरुण लोन इस योजना के अंतर्गत आप 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले आपको मुद्रा योजना से लोन लेने के लिए सरकार की वेबसाइट mudra.org.in को ओपन करना होगा, या सीधे वेबसाइट पर जाने के लिए मैंने लिंक दे दिया है स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप क्लिक कर लेंगे। लिंक पर जाने के बाद आपके स्क्रीन पर मुद्रा योजना का वेबसाइट खुल जाएगा, जिसमें नीचे की तरफ जाने पर शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन, तो आप अपने सुविधा अनुसार चुन लें, उसको सिलेक्ट कर लें। अपना विकल्प चुनने के बाद डाउनलोड, जिसमें सिलेक्ट करके फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, फिर उसका प्रिंट निकाल लेना है। उसके बाद फॉर्म में पूछे गए सभी जानकारी को भरकर आपके नजदीकी बैंक में जमा कर देना है। इस प्रकार आप मुद्रा लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। लोन लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज, अब नोट करिए दस्तावेज क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स नोट करिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर, बिजनेस करने का विवरण, पासपोर्ट साइज फोटो, निवास प्रमाण पत्र, इतनी चीजें आपको चाहिए हैं। यहां से आप का काम स्टार्ट। फॉर्म अगर आपको नहीं मिल पाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो डाउनलोड फॉर्म मैं आपको दे दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा। ठीक, इतनी चीजें समझ में आ गई हो तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी चीजें समझ में आ गई हूं तो आगे बताइए, बढ़े। इतनी आ गई समझ में, इतनी चीजें क्लियर है। अब हमारा जो नया टॉपिक है वो है 10,000 का लोन ऑनलाइन कैसे मिलेगा। अभी तुरंत आप 10,000 रुपए का लोन ऑनलाइन मिल जाएगा घर बैठे, ठीक है, वो अभी हम क्लियर करेंगे। अब हम थोड़ा सा 20 मिनट का रेस्ट लेंगे। 20 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप लोग को जो भी कुछ करना है फ्रेश हो लीजिए। 20 मिनट का रेस्ट लेने के बाद दोबारा हम फिर ज्वाइन होंगे, ठीक। और जो मैंने अभी नोट्स बनाए हैं और अभी मैं आपको व्हाट्सएप पे बहुत सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करूंगा, उसको थोड़ा सा देखिएगा, उसको देखिए, समझिए, वहां पे कहीं पे कोई भी डाउट है, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो आप मुझसे कंसल्ट करिए फोन करके। फिर मैं दोबारा फिर ज्वाइन करके और मैं सारी चीजें आपके सामने फिर करूंगा, ठीक है। तो अभी आपको डिसाइड क्या करना है, अभी जो हम टाइम ले रहे हैं, आप पहले नंबर पर डिसाइड ये करिएगा कि कौन सी स्कीम में आपको अप्लाई करना है। जो हमने 9 बिजनेस लिए थे उसमें आप बताइए, भारतीय महिला बैंक, अन्नपूर्णा योजना, महिला विकास योजना, देना शक्ति योजना, मुद्रा योजना, स्त्री शक्ति पैकेज, सेंट कल्याणी योजना, महिला उद्यम निधि योजना, ये योजनाएं हैं। इनके लिंक मैं अभी तुरंत आपको व्हाट्सअप कर रहा हूं, आप उनको थोड़ा सा चेक कीजिए। और जो मैंने बताया कि 50,000 से लेकर 10 लाख और इतना इतना इतना, तो अपना कैलकुलेशन आप डिसाइड कीजिए। फिर आप अपना बिजनेस डिसाइड कीजिए कि आपको बिजनेस कौन सा करना है, कहाँ करना है, किस एरिया में करना है। जो हमने बिजनेस वाली पहले बात की थी, अगर वो वाला आपका क्लियर है तो वो, क्योंकि अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिर अभी हम 20 मिनट के बाद फिर आएंगे, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। और अभी मैं आपके सामने जो चीजें शेयर करूंगा वो थोड़ा सा देख लेंगे कि मैं आपके सामने क्या क्या चीजें शेयर करूंगा, ठीक है। अब मैं आपके सामने अभी जो दोबारा मैं आऊंगा, तो दोबारा मैं आपके सामने जो चीजें शेयर करूंगा वो होंगी आपके सामने एनएसएफडीसी मैंने आपके सामने शेयर किया है, ठीक है। इसमें कौन कौन सी स्कीम्स हैं, इसमें हैं बहुत सारी स्कीम्स हैं। कौन कौन सी स्कीम्स हैं आप बताइएगा कि इसमें कौन कौन सी आपको स्कीम में लेना है। एनएफडीसी वाला अगर वीडियो नहीं देखा हो तो वो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको फुल डिटेल में जानकारी मिलेगी। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे 9 बताई हैं, तो इसी तरीके से इसमें स्कीम्स कौन कौन सी हैं, इसमें है मियादी ऋण, लघु ऋण वित्त, महिला समृद्धि योजना, महिला किसान योजना, शिल्पी समृद्धि योजना, शैक्षणिक ऋण योजना, लघु व्यवसाय योजना, नारी आर्थिक सशक्तिकरण योजना, हरित व्यवसाय योजना, वोकेशनल शिक्षा और प्रशिक्षण ऋण योजना, आजीविका माइक्रो फाइनेंस योजना, ये इतनी है। अभी मैं आपके सामने इनके सबके स्क्रीन शेयर करूंगा, ठीक। इतनी चीजें अगर क्लियर हो गई हो तो आप मुझे बताइए यस, कमेंट में करिए यस। अभी हम 20 मिनट के बाद आएंगे, सारी स्क्रीन आपके सामने मैं शेयर करूंगा, ठीक है। इतनी चीजें आ गई समझ में। अगर यहां तक आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो वो क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे फिर दोबारा पीछे नहीं पहुंच पाएंगे। आप दोबारा बोलेंगे कि सर वो चीज तो वो दोबारा नहीं। अब जैसे ये विस्तार, क्योंकि बताऊं
NSFDC, अब ये दोबारा से मुझे यहाँ पे व्याख्या करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो NSFDC अगर आपने देख रखा है तो ठीक है, नहीं देख रखा है तो आगे बढ़िएगा। हाँ क्या मनीष जी, क्या दिक्कत है, बोलिए, लिखिए, लिख दीजिए, टाइप करिए, नहीं तो अभी कॉल करके बात करिएगा। भारतीय उद्यमिता, तभी मैं कहता हूं कि जो डेली मीटिंग होती है, डेली मीटिंग में जरूर आया करिए, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक उस पर लेके चलता हूँ, एक एक टॉपिक क्लियर करता हूँ। अच्छा कोई इशू नहीं है, ठीक है। भारतीय उद्यमिता संस्थान, उद्यमिता विकास संस्थान, राष्ट्रीय महिला कोष, NSFDC, NIFDEM, ये अभी हम इनपे और विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी मैं दोबारा आऊंगा, अब मैं आपको सारी लाइव वेबसाइट दूंगा, सारे लिंक दूंगा और सारी चीजें मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी हम 20 मिनट के बाद दोबारा फिर से मिलेंगे, 20 मिनट का रेस्ट है, ब्रेक ले लीजिए, आप लोग को कुछ खाना पीना हो खा पी लीजिए, वॉशरूम जाना हो वॉशरूम चले जाइए, फिर हम आराम से देर तक चलाएंगे इसको, ठीक है। नोट जरूर बनाइएगा नोट्स, क्योंकि उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक। इतनी चीज हो गई क्लियर, ठीक है। उसके बाद में अभी हमको, हाँ ये योजनाएं थी, ये योजनाओं पे कंफर्म करना है, और ये और सारे फॉर्म आपको दूंगा मैं, और एनजीओ के लिए जो स्मॉल हेल्प ग्रुप और एनजीओ, वो उसके बारे में डिटेल में जानकारी होगी, और फॉर्म कहाँ गया, फॉर्म भी मैं आपको दूंगा, ऑनलाइन फॉर्म है ये, एप्लीकेशन फॉर्म, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग इसको फिल कर लीजिएगा। अभी एप्लीकेशन फॉर्म दे रहा हूं मैं, व्हाट्सएप पे डाल रहा हूं आपके ग्रुप पे, वो एप्लीकेशन फॉर्म देख लीजिए, उसको कैसे फिल करना है, उसमें क्या क्या डाउट है, उसमें क्या क्या कंफ्यूजन है, वो सब हमसे क्लियर करिए, ठीक है। और इसको अप्लाई करना शुरू, जो लोग अप्लाई करना चाहते हो वो लोग सारी चीजें, जो जो चीजें मैंने बताई हैं वो सब रेडी करिए और इसको स्टार्ट, ठीक है। मैं अभी फॉर्म और सारी चीजें आपको व्हाट्सअप करता हूँ, फिर अभी हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद, मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा दोबारा, फिर से इसी से जुड़िएगा, यहीं से, यही लिंक है, पासवर्ड जिनको मिल गया है पासवर्ड, वो अपना पासवर्ड रख लें, वही पासवर्ड है, वहीं से आना है, तुरंत ज्वाइन हो जाना, ठीक है, ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।